वहीं एक तरफ प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है और दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में पेयजल की किल्लत भी इसी के साथ शुरू हो गई है। ऐसा ही हाल है चुरू के तारानगर का, जहां पर पिछले कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत का सामना कर रहे लोगों ने सोमवार को जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। लोगों ने विभागीय कार्यालय में नारेबाजी की। काफ़ी देर तक विभाग की ओर से किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने के बाद ये लोग आक्रोशित हो गए और गुस्साए लोगों ने अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में तोड़फोड़ की। सूचना के बाद स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उपखंड अधिकारी से बातचीत कर समझाइश की गई और इसके बाद ही लोग शांत हुए। उपखंड अधिकारी ने पेयजल समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। सरकार और सरकार के कार्यालयों के लिए बड़ी शर्म की बात है। आज पूरे शहर के अंदर पानी की तराही मची हुई है, लोग बूंद बूंद को मोहताज है। सरकार अपने विकास की ताली पीट रही है और तारानगर के जलदाय विभाग के प्रशासन की लापरवाही और आपसी कलह की सजा पूरा तारानगर भुगत रहा है। आज तारानगर के शहर के युवा लोग अपनी मांग को लेकर जलदाय विभाग पहुँचे हैं और बड़ी शर्म की बात है इन लोगों के लिए। एक भी अधिकारी यहाँ एक्शन आईएन सब नजारत है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। हमारी कुछ मांगे थी इस विभाग से कि जो टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है उन टैंकर को बंद कर पाइपलाइन